तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जिसका तर्जुमा तुम्हारे लफ्ज़ों में उलझा हुआ। 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें शाहिद कपूर और कीर्ति सेनन शामिल हैं। ये फिल्म उम्मीद जोशी और आराधना शाह ने लिखी है और हिदायतकारी की है। इनकी हिदायतकारी शुरुआत में और मेडाक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज़ ने प्रोड्यूस की। आपको एक बार फिर से फरहान प्रेजेंटेशन की वीडियोस पर खुश आमदीद, और मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया थिएटर की रिलीज़ की तरफ से हिदायत करी उम्मीद जोशी ने की है। 9 फरवरी 2024 वक्त चल रहा है। 143 मिनट मुल्क इंडिया जबान हिंदी बजट 60 करोड़ रुपये बॉक्स ऑफिस तखमीना बनी थी 133 करोड़ रुपये। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में ख़त्म हुई। फिल्म 9 फरवरी 2024 को थिएटर में नाकिन के मिले जुले जायजों के लिए रिलीज़ हुई। ये 2024 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। इस अपलार तरमीम करके मैं आपको बता चलूँ कि आर्यन अग्निहोत्री शाहिद कपूर एक स्मार्ट रोबोटिक्स इंजीनियर है, जो अपनी खाला अर्मी शक्ला डिंपल कपाड़िया के बाद रोबोटिक्स लेता है, जो उसकी कंपनी ए रोबोटिक्स में काम करती है। वो उसे यूएसए में मदद करती है, जहां इसकी मुलाकात सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन और फसिफ्रा से होती है, जो कि कीर्ति सेनन है, जो एक इंसान की तरह नजर आती हैं और बर्ताव करती हैं। ये हकीकत इसलिए नामालूम है, वो इससे प्यार करता है, लेकिन बाद में उसे मालूम होता है कि वो दरअसल एक रोबोट है और चाल है जैसे उसकी खाला ने जांचे के लिए इस्तेमाल किया है। आया इंसान शिफ्रा को अपने अलावा बता सकते हैं। दिल शिकस्ता होकर वो हिंदुस्तान वापस आता है और तयशुदा शादीशुदा पर राजी हो जाता है। ताहम जब उसे शिफ्रा से अपनी मोहब्बत का एहसास होता है तो वह मंगनी की तकरीब से चिपके से बाहर जाने का फैसला करता है और उसे अपने दादा ने पकड़ लिया, जो उसे अपने दिल की पैरवी करने का मशवरा देते हैं और उसे यकीन दिलाते हैं कि वो उसकी गैरमौजूदगी में खानदान को संभालेंगे। आर्यन की ख्वाहिश है कि शिफ्रा हिंदुस्तान में रहे ताकि वो उसे अपने खानदान से मिलवा सके। उम्मीद है आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई आप सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।